दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासतौर से अगर वीडियो पूरा देखेगा। और ये वीडियो खासतौर से उन लोगों के लिए होने वाला है जो मोमेंटम ट्रेडर हैं, या आप मैं ये कह सकता हूं जो इंट्राडेट करते हैं, खासतौर से जो कैंडल स्टिक पैटर्न को देख करके ट्रेड करते हैं, जो कैंडल को पकड़ के ट्रेड करते हैं, उनके लिए खासतौर से काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो में हम आपके तीन ऐसे गोल्डन रूल्स बताएंगे और गोल्डन टॉपिक बताएंगे या गोल्डन इंडिकेटर्स बताएंगे, जिनकी भी हाँ पे अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप उसके फॉल्स से बच सकते हैं, यानी उसे झूठ से बच सकते हैं और वहां पे अपना पैसा लॉस करने से बच सकते हैं। तो मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं टेक मजा स्टॉक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से है, एक अपने गोल्डन टॉपिक के ऊपर, और गोल्डन रूल वन है जिसको बोलते हैं हम लोग कैंडल स्टिक में फॉल्स कैंडल ब्रेकआउट। फॉल्स कैंडल ब्रेकआउट, ये देखिए ये कोई रूल है नहीं, कहने का मतलब ये कोई रूल नहीं है। फॉल्स कैंडल ब्रेकआउट ये एक ऐसा रूल है जो कि आप खुद बना सकते हैं और खुद आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस रूल में होता क्या है, इस रूल में ये होता है कि चलिए यहाँ पे हम एक कैंडल आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, और यहाँ पे बंदा क्या होता है, बंदा यहाँ पे ट्रैप हो जाता है। तो इसको हम यहाँ बेसिकली बोलते हैं ट्रैप ब्रेकआउट, या बोल सकते हैं या ट्रैप कैंडल इसको बोल सकते हैं, या जो भी आप समझ लीजिए। वो क्या होता क्या है, जैसे एक मोमेंटम चल रहा है, ठीक है, जैसे जस्ट सपोज यहाँ पे कैंडल आ रहा है और यहाँ पे ये अप डाउन कर रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए एक कैंडल ऐसा जो आपने कुछ उसको बाई करने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचा है, या फिर एक ऐसा कैंडल जो है कि जस्ट सपोज यहाँ पे एक कैंडल का मोमेंटम ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और यहाँ पे आपने ट्रैप कैंडल आप जो है यहाँ पे, या ट्रैप कैंडल, कैंडल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर जिसको आपने पकड़ा होगा, या फिर वो कैंडल इस टाइप का होगा, या आपने सोचा होगा कि यार चलिए यहाँ पे एक हैमर टाइप का कुछ बनने वाला है, और हैमर जब भी बनता है तो आप यहाँ पे देखते हैं कि वहां पे कुछ थोड़ा बहुत रिवर्सल आता है, बहुत ही ज्यादा रिवर्सल बड़ा नहीं आता, जिस तरह से डोजी में आता है। डोजी के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वहां पे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर डोजी के बारे में डिटेल में वीडियो बता दूंगा। जैसे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक टेक्निक आता है, तो वहां पे क्या होता है कि ये स्पीड में आता है, और वो स्पीड काफी स्पीड तेज होती है। इसका मतलब, स्पीड का मतलब ये होता है कि ये अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो ये इंट्राडे ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे अगर जो भी कैंडल बनता है, फॉल्स ब्रेकआउट बनता है, या फॉल्स इस तरह का जो हैमर टाइप का बनता है, वो आपको ट्रैक कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि बंदे यहाँ पे क्या करते हैं, बंदे यहाँ पर खासतौर से बंदे का कहने का मतलब यहाँ पे ट्रेडर जो होते हैं यहाँ पे वो एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। एंट्री लेने के बाद वो स्टॉक एंट्री कैसे लेते हैं, एंट्री वो लोग बाई पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, यानी कि वो शॉर्ट नहीं करते हैं, बाई ले लेते हैं। अब बाई लेने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये मार्केट जो है यहाँ पे ऊपर बढ़ने के बजाय फिर नीचे गिरने लग शुरू कर देता है, क्योंकि ये जो होता है ये फॉल्स टाइप का होता है। तो यहाँ पे अगर वो स्पीड में अगर कोई इस तरह से अगर बन रहा है, मतलब इसकी स्पीड का मतलब मार्केट में या स्टॉक में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है। चलिए इसको यहाँ पे एक मैं चार्ट के तौर पे दिखाता हूँ, ये मिल जाता है। और यहाँ पे जैसे जैसे सपोज यहाँ पे कुछ हैमर टाइप का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे क्या बंदा सोचता है कि यहाँ पे चलिए और एंट्री, मार्केट और बढ़ेगा, यानी ये कैंडल अपसाइड और जाने, मतलब कैंडल का मतलब ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। लेकिन होता क्या है, यहाँ पे देखिए वोलेटिलिटी आ जाती है और मार्केट यहाँ पे गिरना शुरू कर सकता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ट्रैप कैंडल। ट्रैप कैंडल ये मेरा नाम है, और या आप उसको कुछ भी दे सकते हैं, ट्रैप कैंडल दे सकते हैं, बट ये एक्चुअली कंफर्मेशन कैंडल ना बन जाए, या फिर आप जो है मार्केट के सेंटिमेंट को और ना पूरी तरीके से समझ ले तब तक कि जो है इसमें पूरी तरीके से एंट्री ना ले। चलिए दूसरा रूल के सेकंड जो कैंडल रूल होता है, सेकंड कैंडल रूल, ठीक है, सेकंड कैंडल रूल, अवॉइड चेजिंग थ्री लार्ज बुलिस और बेरिस कैंडल। इसमें इस तरह से होता है, मान लिया मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और यहां पे आपको देखिए तीन बड़े बड़े कैंडल आपको नजर आ गए, ठीक है। अब यहां पे हो गया कि आप मार्केट में वेट कर रहे हैं, आप यहां पे ट्रेडर हैं, आप यहां पे एक कैंडल का वेट किया, दूसरे कैंडल का वेट किया, और ये बुलिस, देखिए मैं बुलिस बता रहा हूँ, यानी कि मार्केट में काफी ज्यादा तेजी हो। जस्ट सपोज अभी निफ्टी जो है, मैं अभी बताऊँ आपको 16,300 पॉइंट के लो से और एकदम से जो बुलिस बना है वो 17,500 तक भागा है,
अब सपोज यानी कि अगर आपने वहां पे लेट कर दिया तो आपने सपोज यहाँ पे एंट्री मान ली, यहाँ पे एंट्री मारने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप काफी लेट हो चुके होंगे और यहाँ पे मार्केट गिरना शुरू कर देगा, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसी जगह पे क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अवॉइड करना चाहिए, यानी कि आपको नो ट्रेड, कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसी जगह पे आपको ट्रेड करने से बचना चाहिए। चलिए इसको यहाँ पे हम चार्ट के तौर पे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं 5 मिनट के चार्ट में दिखा देता हूं आपको। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट लगा रखा है। देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, जस्ट सपोज यहाँ पे आपने एक कैंडल बना, दो कैंडल बना, तीन कैंडल बना, और यहाँ पे सपोज जस्ट सपोज आप वेट कर रहे हैं ट्रेड लेने का, एक दो तीन, और यहाँ पे क्या हुआ, धड़ाम से मार्केट गिर गया, सॉरी मार्केट का मतलब स्टॉक गिर गया, स्टॉक यानी आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, और जस्ट सपोज आप इसी तरह से आपने यहाँ पे कोई कैंडल का वेट किया हो, यानी आपने शॉर्ट पोजीशन बनाने का वेट कर रहे हो, और शॉर्ट पोजीशन बनाने का वेट करने के बाद मार्केट, देखिए यहाँ पे भी वही चीज हुई है और यहाँ पे भी वही चीज हुई है और देखिए यहाँ पे भी वही चीज हो रही है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने लेट कर रहे हैं, तो आप जस्ट सपोज आपने यहाँ पे शॉर्ट कैंडल आपने शॉर्ट करने के लिए सोचा, आप या तीन चार कैंडल का वेट किया और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया, फिर मतलब मार्केट का मतलब मेरा स्टॉक रिवर्स हो गया, जब स्टॉक रिवर्स हो जाता है तो यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसी जगह पे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ट्रेड को लेने के लिए, और आपको वेट करना चाहिए कोई बढ़िया आपको टाइम फ्रेम का आपको वेट करना चाहिए। चलिए जो तीसरा थर्ड रूल मैं आपको बताता हूँ, जो थर्ड रूल जो होता है, आपको इस फार्मूले पे काम करना चाहिए, ईट फार्मूले पर, दोबारा से मैं लिख देता हूं, ईट फार्मूला, ईट का मतलब होता है एंट्री पॉइंट, ए का मतलब होता है एरिया ऑफ वैल्यू पॉइंट, टी का मतलब होता है आपको ट्रेंड, यानी कि ऐसे एरिया, ऐसे एंट्री पॉइंट को आपको क्या करना है, ढूंढना है, पकड़ना है, और जिस जो उस एरिया के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जहां पे आपको ट्रेंड मिल रहा हो, तो ऐसी जगह पे आप जो है वहां पे आपको ट्रेड बनाने का मौका मिल सकता है। तो जस्ट सपोज चलिए इसी कैंडल इसी में देखते हैं, या चलिए हम इसको वहां पे वनडे का चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है वनडे का चार्ट, अगर मैं इसको लगा लेता हूँ जस्ट सपोज, तो अगर मैं इसको वनडे के चार्ट में लगा लेता हूं तो देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इसको एक सपोर्ट यहाँ पे देखते हैं, ये सपोर्ट देखते हैं और ये सपोर्ट देखते हैं और ये सपोर्ट देखते हैं, तो बेसिकली ये देखिए यहाँ पे जो ये काम आएगा ना, ये काम बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये वनडे के चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लगा रहे हैं, तो वनडे के चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू लगा रहे हैं, आपका मतलब क्या है, आपको पोजिशनल ट्रेड लेनी पड़ेगी, जब पोजिशनल ट्रेड लेंगे तो आप इसको जो है मोमेंटम कैच कर पाएंगे, और मोमेंटम कैच करने का मतलब आप मार्केट के ट्रेंड को पकड़ पाएंगे, ट्रेंड को पकड़ पाएंगे, तो आपने ये ट्रेंड पकड़ लिया, देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट देखते हैं और ये सपोर्ट को हम देखते हैं, यहाँ प्राइस देखते हैं, यहाँ पे कितना 693 रुपए था, आईसीआईसीआई बैंक का मैंने चार्ट लगा रखा है, और यहाँ पे भी 693 के बाद इसने 690 या 700 के आसपास ने सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे स्टॉक अप ट्रेंड में गया था, फिर उसके बाद इसमें गिरावट आई, यानी कि इसका मतलब ऐसा नहीं है यहाँ पे आपने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया है, यहाँ पे यानी कि आपका जो एंट्री पॉइंट है वो ट्रेंड के हिसाब से होना चाहिए और सटीक एंट्री पॉइंट होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे आपने वही किया, देखिए यहाँ पे भी उसने 700 रुपए के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ पे फिर आपने और ये कहते मतलब ये 40 से 50 पॉइंट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर अभी ये अप ट्रेंड में चल रहा है, फिर उसी रेंज के जगह एक और सपोर्ट, यानी 700 के सपोर्ट लेने के बाद, तो अब ये कितना ऊपर जाएगा, ये तो आपको अपना प्रॉफिट जो है आप अपने हिसाब से देखिएगा, और अपने हिसाब से यानी कि 4 से 5% या 10% तक का आपको जो है अपसाइड मिल जाता है, तो आप वहां पे अपना प्रॉफिट बना करके निकल लीजिए, एंट्री कर लीजिए, बेस्ट ये रहेगा। तो यानी कि आपने क्या किया, आपने एरिया पकड़ा, एरिया क्या चीज रहता, यानी एरिया का मतलब सपोर्ट पकड़ा, सपोर्ट का मतलब यह है, फिर आपने क्या किया, एंट्री वहां पे एंट्री लेवल अपना डिसाइड किया, जो होता है ई फॉर एंट्री लेवल,
फिर आपने ए फॉर एरिया देखा, फिर टी फॉर ट्रेंड पकड़ा है, यानी कि ट्रेंड क्या है अपसाइड का है, तो वहां पे अपने वहां पे क्या है राइट एंट्री ले ली। तो तीन फार्मूले मैंने बताए, ये तीन फार्मूले आप याद रखेंगे तो आपको यहाँ पे पैसे बना सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आप अपने पैसे लॉस होने से भी अपने आप को बचा सकते हैं। पैसा लॉस होना जो है, पैसे को कैपिटल कैपिटल प्रोटेक्शन को बचाना जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्ट योर कैपिटल, प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। अगर आपकी कैपिटल जो है, अगर आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, बच जाती है, सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे मार्केट में क्या है, मार्केट में पैसा बना लेंगे आप अपने आप। मेरा हिसाब से ये है कि अगर मार्केट में पैसा अगर आपको बनाना है तो आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। और अगर आप जो है यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से देखते हैं, तो ये टेक्निकल एनालिसिस मैं बताता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, यानी कि ये न्यूज पे काम नहीं करते हैं, या फिर जैसे न्यूज का मतलब ये है, अगर स्टॉक के मैनेजमेंट के इंटरनल में कोई न्यूज आ जाती है तो भी ये काम नहीं करेंगे, यानी स्टॉक गिर रहा है तो गिरता ही रहेगा और बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा, तो ये सारे के सारे इंडिकेटर फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपनी एक लिमिटेशन है। खास तौर से मैं अगर इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, इंडेक्स में टेक्निकल क्या है, इंडेक्स में तो इंडेक्स जो मैं जैसे कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो है, इंडेक्स में टेक्निकल थोड़ा बहुत काम नहीं आता है, बल्कि स्टॉक के पर्टिकुलर में देखें तो वहां पर टेक्निकल काम आ सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको तीन गोल्डन रूल को फॉलो करना चाहिए। देखिए आपको रिकैप करके बताता हूँ, पहला जो मैंने रूल्स जो बताया था, रूल्स वो क्या बताया था आपको रिकैप करके बताता हूँ। डोंट ट्रेड कंसोलिडेटेड पैटर्न आइसोलेशन, यानी कि अगर कोई मार्केट आइसोलेशन पैटर्न में है, आइसोलेटेड पैटर्न को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, अगर कोई हैमर बनना है या कोई डोजी बनना है तो उसको पूरी तरीके से आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरा रूल मैंने बताया था, तीन लगातार कंसेक्यूटिव जो आपकी होती है, थ्री लार्ज कैंडल अगर वो बन जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। तीसरा रूल मैंने आपको जो बताया था, आपको ईट फार्मूला बताया था, यानी कि एंट्री एरिया और ट्रेंड। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों। अगर इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिएगा इसी बात पे, और भाई का चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मार्केट को समझिए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। दोस्तों ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एंजल बुकिंग में अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंजल बुकिंग में अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। मैं ये चार्ट एंजल बुकिंग में यूज करता हूँ। दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मार्केट को समझिए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।